Okay. Good afternoon, students. Basically, today we discuss about the process models. In previous class, we already discussed about the what is the process model and what are the different types of process models that will be used for the software development and what is the role of different types of categorization of the software process model, like waterfall model. In previous session, we conclude our session at the prototype model. Okay. And at the end of the session, after the attendance, I have also a quiz for you. Okay. It consists approx 12 questions of 60 marks. Okay. Now I want to proceed my session. Basically, कल का जो सेशन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था वाटरफॉल मॉडल और नेक्स्ट हम लोग कंक्लूड किया था हम लोगों ने प्रोटोटाइप मॉडल्स पे. ठीक है, दोनों के अंदर में हमने बहुत सारा कंपैरिजन भी देखा था. इसके कंपैरिजन में एक चीज जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी कि वाटरफॉल मॉडल इज बेस्ट सुटेड फॉर द सिंपल सॉफ्टवेयर. ठीक है ना, दैट मीन्स कि जो भी हमारा एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पिटफॉल्स नहीं आएगा, दैट मीन्स कि यूजर के साइड से बहुत ज्यादा चेंजेस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, वहां पे तो हम लोग बेसिकली वाटरफॉल मॉडल को लेकर के प्रोसीड कर सकते हैं. लेकिन वहां पे उस वाटरफॉल मॉडल के अंदर में आइटरेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है. दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हम अगर एक स्टेप को प्रोसीड कर गए, अगर हमें दोबारा उसी सेक्शन में आना है, जैसे मान लीजिए कि एनालिसिस करने के बाद हम डिजाइन में कर रहे हैं और डिजाइन करने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो देन हम एनालिसिस को मॉडिफाई करें तो इट विल बी नॉट पॉसिबल. ओके, दैट मींस कि वहां पे एक आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है. दैट मींस कि एनालिसिस के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद कोडिंग, कोडिंग के बाद टेस्टिंग, इस तरीके से आपका कंप्लीटली आपको स्टेजेस को फॉलो करते जाना है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था बेसिकली प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर में कि हम क्या कर रहे थे कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वी प्रिपेयर ए स्केलेटन. दैट मींस कि वी प्रिपेयर ए प्रोटोटाइप ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम. उस सिस्टम का एक मॉडल हम बना पा रहे थे और उसको लेकर के हम किससे इंटरेक्ट कर रहे थे, वो इट विल बी आल्सो वेरीफाइड एंड वैलिडेट, वेरीफाइड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड वैलिडेट बाय द कस्टमर्स. और जब तक हमारा जो वो स्केलेटन है यानी प्रोटोटाइप है दैट विल बी वैलिडेटेड फ्रॉम द कस्टमर, देन यू शुड गो फॉर द फर्दर स्टेजेस. ठीक है ना, वहां पे भी मैंने बताया था कि वहां पे हम एक वैलिडेशन करते हैं. आप देख रहे होंगे वहां पे एक लूप साइकिल फॉर्म हो रहा था. जब तक वो साइकिल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे हम लोग उसके प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई पीपीटी. This is the software process model. Okay, basically, okay, we are here yesterday. Okay, basically this is the typical presentation of the prototype model. Okay, this is the starting end and this is the end. First we required requirement gathering. Okay, number two. Requirement gathering, quick design. Okay, quick design, that means ki building prototype, building after the building prototype, customer evaluation, customer after the customer evaluation, we defining the prototype and again go for the quick design. Okay, and after the refining prototype, we go for the final product. Okay, this is the typical representation of the prototype model. Okay, now waterfall model with prototype, that means ki we can say that प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है तो आपका स्क्रीन पे नहीं हो रहा. हेलो, प्रेजेंटेशन तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, कोई दूसरे को प्रेजेंट कर रहा है. ओके ओके सर, कोई और प्रेजेंट कर रहा है. दीपक कुमार करके कोई. दीपक कुमार कौन है? एक मिनट, कोई आउटसाइडर है.
आउटसाइडर क्लियर दिख रहा है सबको? यस सर यस सर यस सर तो बेसिकली दिस इज द वाटरफॉल मॉडल विद प्रोटोटाइप। यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग का भी है और वाटर मॉडल दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे एक मॉडल रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसके आगे बेसिकली हम लोग को ये देखना है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल। ठीक है ना, यहाँ पे प्रोटोटाइप प्रोसेस जो मॉडल है उसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहला जो जो एडवांटेज है, इंटरेक्शन ऑफ यूजर एंड स्टेक होल्डर्स एट देयर रिस्पेक्टिव फेजेस। दैट मींस कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर में आप ये देख रहे थे कि जब तक हम लोग एनालिसिस कर रहे थे वहां पे तो हमारा कस्टमर के साथ इंटरेक्शन था, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या कर रहे थे, जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जैसे सिस्टम डिजाइन कोडिंग, इस टाइम में हमारा पूरा का पूरा इंटरेक्शन नहीं था कस्टमर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग लेकर के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड है वर्किंग मॉडल बेटर अंडरस्टैंडिंग। दैट मींस कि वहां पे क्या था, वाटरफॉल मॉडल के अंदर में जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो आपका बहुत ही एक लंबे टाइम के बाद हमको मिल हैंड ओवर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एसडीएलसी वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर द प्रोटोटाइप, दैट इज द वर्किंग मॉडल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज द एरर कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास पहले से प्रपोज्ड अगर प्रोटोटाइप हमारे पास पहले से तैयार होगा और हम उस केस में अगर यूजर से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो डेवलपर्स हैं उनसे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मींस कि अगर वहां पे कोई भी एरर्स होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द क्विकर यूजर फीडबैक एंड बेटर सॉल्यूशन। क्विकर यूजर फीडबैक का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम प्रोटोटाइप बनाते हैं तो सबसे पहले उसको किसको भेजते हैं, यूजर्स को भेजते हैं। तो यूजर क्या करेगा कि जो भी उसका स्केल्टन या प्रोटोटाइप उसको जो दिख रहा है उसके अंदर में वो एक फीडबैक भी दे सकता है, फीडबैक में भी पॉजिटिव और निगेटिव। ये ऑलरेडी आपको मैंने साइड में बताया भी है, फीडबैक अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब है कि जो आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है ना, वो आपका अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर है। लेकिन अगर निगेटिव फीडबैक है तो निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि दैट मीन्स की वी हैव टू मॉडिफाई द सिस्टम। ठीक है ना, वी हैव टू सम मॉडिफिकेशन इन द प्रोटोटाइप। ओके, सेकंड इज द मिसिंग एम्बिगुअस कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। ओके, लास्ट इज द रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्विक इंप्लीमेंटेशन इन कंप्लीट बट फंक्शनल एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे बेसिकली देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इसलिए हमारे पास सामने आ रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का एक जो प्रोटोटाइप है वो हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम उसको प्रिपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द प्रोटोटाइप प्रोसेस एंड मॉडल। अब अगर हम कंपेयर करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल और वाटरफॉल मॉडल को तो ये यही कंपेरिजन होगा। वहां पे क्या था, इंटरेक्शन ऑफ यूजर नहीं था, है ना। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एसडीएलसी वी ओनली इंटरेक्ट द यूजर टू नो अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग द एसडीएलसी होल एसडीएलसी वी कैन इंटरेक्ट विद यूजर्स। ठीक है, पहले उसमें सेकंड क्या डिफरेंस बोल सकते हैं कि वहां पे हमारा कोई वर्किंग मॉडल नहीं था, यानी प्रोटोटाइप हम रेडी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एक वर्किंग मॉडल भी प्रिपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द वहां पे एरर को डिटेक्ट करने का तरीका कहाँ पे था, सिस्टम टेस्टिंग के अंदर में, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरर को हम बीच में भी इन बिटवीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूकर यूजर फीडबैक, वहां पे यूजर फीडबैक कहाँ पे मिलता, जब हम बीटा टेस्टिंग के लिए जाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम प्रोटोटाइप बनाएंगे वहां पे हमारा यूजर फीडबैक मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेज ऑफ प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल। देखिए इसमें डिसएडवांटेज क्या क्या आएगा ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, इन कंप्लीट एप्लीकेशन में कॉज एप्लीकेशन नॉट टू बी यूज्ड एज द फुल सिस्टम वाज डिजाइन इन कंप्लीट और इनएडिक्वेट प्रॉब्लम एनालिसिस। इनका कहना ये है कि देखिए बेसिकली प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल जो है ये बेसिकली बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव जो सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यानी उसके लिए रिलायबल नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि जो हाईली सेंसिटिव सिस्टम होता है उसके अंदर में ऐसा आप नहीं कर सकते कि जल्दी से आप एक कोई प्रोटोटाइप बना दें और उसको लेकर के फिर हम उसको फर्दर लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड फॉर द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जो कि पहले, जैसे वेबसाइट्स है, आपको पता है कि वेबसाइट्स के, जैसे मान लो कि स्कूल का वेबसाइट अलग है, हॉस्पिटल का है, तो जो हॉस्पिटल का वेबसाइट है आप देखते होंगे कि जब तक जितने भी हॉस्पिटल की वेबसाइट्स हैं उनका एक फ्रेमवर्क जो होता है, जो उनका एक बनाने का तरीका होता है लगभग सेम होता है, नंबर ऑफ पेजेस सेम होते हैं, बस उसका कंटेंट चेंज होता है, या हो सकता है कि कुछ डायनेमिक पेज जैसे रजिस्ट्रेशन करना है पेशेंट को, इस तरीके का कुछ फीचर्स वो दे सकते हैं। तो बेसिकली जिस इस तरीके के एप्लीकेशन के लिए प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल तो बहुत ज्यादा इफिशियंट है, लेकिन जो हाईली आपका सेंसिटिव सिस्टम है उसके लिए आपका प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल इफिशियंट नहीं है। ओके, व्हेन टू यूज प्रोटोटाइप मॉडल हमें कब करना है, जब हमें डिजायर्ड सिस्टम, लॉट ऑफ यूजर इंटरेक्शन, नेक्स्ट है ऑनलाइन सिस्टम जो कि मैंने अभी बताया, इट इज बेस्ट सुटेड फॉर द वेबसाइट्स, वेब इंटरफेस, एंड यूजर्स कॉन्स्टेंटली वर्क विद द सिस्टम, दैट मींस की फीडबैक इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोटोटाइप यूजेबल सिस्टम, एक्सेलेंट फॉर डिजाइनिंग गुड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम। ओके, तो बेसिकली दिस इज द सिचुएशंस वेयर वी कैन यूज द प्रोटोटाइप मॉडल। ओके, नेक्स्ट इज द वी मॉडल। वी मॉडल इट इज अ वेरी सेंसिटिव मॉडल, जिसको हम बोलते हैं वी शेप्ड मॉडल भी बोलते हैं। वी शेप्ड मॉडल के अंदर में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इच लेवल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जो पहला हमारा फेज है, सपोज कीजिए सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस करने के बाद देन हम क्या करते हैं, उसके पैरेलल हम उसको टेस्ट भी करते चलते हैं, डिजाइनिंग होगा फिर उसको पैरेलली टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली वी शेप्ड मॉडल इज बेस्ट सुटेड फॉर द हाईली सेंसिटिव सिस्टम, जहां पे एरर्स जो होंगे वो आपका मिनिमम एरर का प्रोबेबिलिटी होगा। जैसे मान लीजिए कि नासा के अंदर में आप देखते होंगे कि जैसे किसी भी हमें स्पेस में किसी भेजना है किसी भी क्राफ्ट को, जैसे मान लीजिए कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए होता है, ठीक है ना, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए जब हम स्पेस में भेजते हैं तो वहां पे वो चीज देखते हैं, तो वो क्या है, हाईली सेंसिटिव सिस्टम है, वहां पे अगर आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी अगर आपका डिफरेंस आएगा तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। दैट मीन्स कि उसके अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा जिसको आप रैंडमली आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके के जो सिस्टम्स होते हैं, इस तरीके के सिस्टम्स को, यानी जो हाईली सेंसिटिव सिस्टम है, उनके लिए हमारा जो वी मॉडल है ये आपका सबसे इफिशियंट है। ओके, बेसिकली वी मॉडल जो है वो आपका लेटेस्ट मॉडल है, जो कि आपको बेसिकली ये हो सकता है बुक्स में नहीं भी दिया हो, वी मॉडल के जगह पे आपको लोगों को जो पढ़ना होगा दैट इज द स्पाइरल मॉडल, ठीक है। वी मॉडल के अंदर में बेसिकली देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली यूज यूनिट टेस्टिंग टू वेरीफाई प्रोसीजरल डिजाइन, यूज इंटीग्रेशन टेस्टिंग टू, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हर एक चीज को हम यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली एक वीशेप्ड मॉडल का इसमें पिक्चर, हाँ पिक्चर है यहाँ पे, यस दिस इज द, यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दैट मीन्स की रिक्वायरमेंट एनालिसिस अगर है तो वो क्या होगा, उसका भी टेस्टिंग होगा, ठीक है। SRS यानी जो आफ्टर द एनालिसिस वी प्रिपेयर द सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसका भी टेस्टिंग होगा। फिर हाई लेवल डिजाइन जो हम लोग करते हैं, जिसको आर्किटेक्चरल डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, मॉड्यूल डिजाइन, ये सारी चीजें देखते हैं, वो जब डिजाइन करेंगे तो उसका भी एक टेस्टिंग होगा। लो लेवल डिजाइन करेंगे उसका भी टेस्टिंग होगा, कोडिंग करेंगे उसका भी टेस्टिंग होगा। तो दैट मीन्स की हर एक जो आपका स्टेज है SDLC का, उसके पैरेलल क्या करेंगे, एक हम वैलिडेशन फेज यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे डेवलपर लाइफ साइकिल एंड टेस्टर लाइफ साइकिल, ओके, यहाँ पे हम सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और इसी के पैरेलली हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि दैट इज वैलिड और नॉट, दैट इज वैलिड और नॉट मींस कि व्हाट, दैट मींस कि इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर और नॉट। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके का अगर आपका देख रहे हैं कि दैट मींस कि आपको ये चीज लग रहा होगा कि इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, इसमें आपको टाइम ज्यादा लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि पहले जो हम लोग काम कर रहे थे वो सिर्फ इस मॉडल पे काम कर रहे थे, इस वाले को लेकर के, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस पूरे, दैट मींस की वर्क भी करना है और उसके रिगार्डिंग उसको हमको वैलिडेट भी करते जाना है। तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज बेस्ट सुटेड फॉर द हाईली सेंसिटिव सिस्टम। ओके, फेजेज ऑफ वी मॉडल, ये चार ही चीजें हैं जो कि वहां पे हम लोगों ने पिक्चर में भी देखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट लाइक, अब यहाँ पे जैसे हाई लेवल डिजाइन का मतलब क्या होता है, हाई लेवल डिजाइन का मैंने बताया भी है कि इट फोकस ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर,
नेटविंस की ये पूरा का पूरा सिस्टम या ओवरऑल सिस्टम की हम बात करते हैं। लो लेवल डिजाइन का मतलब क्या हो गया कि कंपोनेंट्स यानी मॉड्यूल्स पे फोकस करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। एडवांटेज, एडवांटेज का है कि वी मॉडल हम कहां पे यूज करेंगे, ठीक है। वी मॉडल के अंदर में वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी बताया कि जहां पे आपका सिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है ना, बहुत हाईली सेंसिटिव सिस्टम को आप बना रहे हैं, ठीक है। देन और इसके अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती है, टेस्टिंग एक्टिविटी लाइक प्लानिंग टेस्ट डिजाइनिंग हैपेंस वेल बिफोर कोडिंग, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, हेंस हायर चांस ऑफ सक्सेस ओवर द वाटरफॉल मॉडल, ओके। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम सपोज कीजिए कि इसके अंदर में अगर हम कोई छोटा अगर सिंपल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रोटोटाइप मॉडल अभी हमने पढ़ा, अगर प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर में आपको ये बताया गया कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए वो ज्यादा बेस्ट सुटेड है, अगर मान लीजिए कि उसी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को हम वी मॉडल के अंदर में लेके आ रहे हैं तो ये क्या होगा, एक तरीके का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि वहां पे उतनी ज्यादा आपको बहुत ज्यादा वहां पे सेंसिटिव सिस्टम नहीं है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, यूजर से हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो भी उसका स्पेसिफिकेशन है उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वी मॉडल के अंदर में क्या होता है कि यहाँ पे इसलिए इस तरीके का हम लोग अप्रोच फॉलो करते हैं क्योंकि अगर कहीं भी एक सिंपल एरर अगर आ गया तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे प्रोडक्ट को उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली वी मॉडल विच बी बेस्ट सुटेड फॉर द हाईली सेंसिटिव सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज में ये बोल सकते हैं कि इट कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ टाइम, ओके, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन फेज, इफ एनी चेंजेस हैपन इन मिडवे देन द टेस्ट डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी अपडेटेड। देखिए ये डिसएडवांटेज आपको बताने के लिए बहुत सारा पॉइंट्स है। सबसे पहले ये चीज डिसएडवांटेज बता सकते हैं कि इट इज नॉट बेस्ट सुटेड फॉर द सिंपल एप्लीकेशंस, ओके, या वेब बेस्ड एप्लीकेशन। सेकेंड बता सकते हैं इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप थर्ड ये भी लिख सकते हैं, इट टुक्स ए लॉट ऑफ मैन पावर, इसमें आपका क्या होगा, मैन पावर भी बहुत ज्यादा आप यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे डिसएडवांटेज आप बता सकते हैं, क्लियर है। बेसिकली नेक्स्ट इज द इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल जो है ये भी एक तरीके का आपका प्रोसेस मॉडल है जो कि हम लोग देखते हैं इसमें। इंक्रीमेंटल मॉडल का मतलब क्या है, देखिए बेसिकली इंक्रीमेंटल मॉडल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि वैसा कोई सॉफ्टवेयर जिसके अंदर में अगर कोई भी अपडेशन हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई फिनेंशियल टाइप का कोई सॉफ्टवेयर है और सपोज कीजिए कि हमारे कंट्री के अंदर में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया है, तो जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ बोलने से तो उस कोड के अंदर में चेंज नहीं होगा ना, दैट मीन्स कि वी हैव टू अपडेट इट्स वर्जन, ओके। तो जब हम अपडेट करेंगे वर्जन में, दैट मीन्स कि वी हैव टू अपडेट इन द कोडिंग ऑल्सो। तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर अगर हम बनाना है तो उसके लिए हमारे क्या लिए सबसे बेस्ट मॉडल क्या होगा, इंक्रीमेंटल मॉडल, ओके। दैट मीन्स कि मल्टीपल डेवलपमेंट साइकल्स, मल्टी वाटरफॉल साइकिल, ठीक है। ईच मॉड्यूल के अंदर में फेज होगा, रिक्वायरमेंट डिजाइन इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ओके। सब्सिक्वेंट रिलीज एड्स फंक्शन टू द प्रीवियस रिलीज, मेन पार्ट जो है आपका यही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो दो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब्सिक्वेंट रिलीज एड फंक्शन टू द प्रीवियस रिलीज, दैट मीन्स कि अगर हमें कोई सिस्टम में अपडेट करना है, उसको इनहांस करना है, ठीक है, तो इनहांस करने का मतलब क्या है, या तो कोई नया मॉड्यूल एड होगा या उस मॉड्यूल को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी फंक्शनलिटी यूज होगी वो कहाँ पे यूज होगी, इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर में। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कंप्लीट सिस्टम इज अचीव्ड, इसका मतलब ये है कि इस तरीके का जो एक्टिविटी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेज में होगा, ये क्या होगा, जब तक आपका सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है तो ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ द सिस्टम ऑल दिस प्रोसेस विल बी एग्जिस्ट। ये जितने भी तरीके का एडिशन है, ऑपरेशन है, ये सारी चीजें क्या होंगी, नॉर्मली होती रहेंगी। प्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर जो बना हुआ है, दिस इज नोन बेसिकली इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल मॉडल। यहाँ पे जैसे इन रिक्वायरमेंट है बिल्ड वन, बिल्ड टू, बिल्ड एन, दैट मीन्स कि ये क्या कर दिया कि नंबर ऑफ जितने भी मॉड्यूल्स है उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसको अलग डिजाइन कर रहे हैं, इसको अलग डिजाइन कर रहे हैं, इसको अलग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल, ओके। एट द एंड ऑफ द सेशन जब ये आपका मॉडल फिनिश हो जाएगा तो देन मैं क्या करूंगा कि आपको इसका पीपीटी भी ऑलरेडी हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है।
एडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला ये है कि इट जनरेट्स वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली एंड अर्ली ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ओके, नेक्स्ट लोअर इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट है, कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू ईच बिल्ड, इजियर टू टेस्ट एंड डिबग ड्यूरिंग ए स्मॉलर आइटरेशन एंड इजियर टू मैनेज रिस्क बिकॉज रिस्क पीसेज आर आइडेंटिफाई एंड हैंडल ड्यूरिंग इट्स आइटरेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आपका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि दैट मीन्स कि हम किसी भी मॉड्यूल्स के अंदर में इजिली हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, दैट मीन्स कि मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर फ्लेक्सिबल, लेस कॉस्टली टू चेंज स्कोप एंड रिक्वायरमेंट। इट इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल। ओके, डिसएडवांटेज, व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज? तो डिसएडवांटेज के अंदर में बेसिकली क्या है कि इट नीड्स गुड प्लानिंग एंड डिजाइन, नीड्स अ क्लियर एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द होल सिस्टम बिफोर इट कैन बी ब्रोकन डाउन एंड बिल्ट इंक्रीमेंटली। ठीक है, दैट मीन्स कि देखिए डिसएडवांटेज अगर हम ये चीज बोले, किसी भी देखिए कोई भी वैसा मॉडल नहीं है जिसका कुछ एडवांटेज अगर हम बोले, तो अगर आप डिसएडवांटेज बोल सकते हैं तो डिसएडवांटेज के अंदर बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। लिखने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉडल है, तो अगर ये इंक्रीमेंटल मॉडल सपोज कीजिए हम वाटरफॉल मॉडल से अगर बात करते हैं, तो वाटरफॉल मॉडल से क्या होगा, ये आपका छोटा कॉस्टली होगा ना, कॉस्टली क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे जो भी हमारा मॉड्यूल है, इट विल बी ब्रोकन डाउन एंड बिल्ट इंक्रीमेंटली। ठीक है, मॉड्यूल्स में हम डिफाइन करेंगे और उसको ब्रोकन डाउन करके उसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। ओके, बेसिकली दिस इज आर द एडवांटेजेज ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल। व्हेन शुड आई यूज इंक्रीमेंटल मॉडल, अब बात ये आती है कि इंक्रीमेंटल मॉडल हम यूज कब करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल मॉडल वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपको ये देखना है कि बेसिकली एक जहां पे मॉडिफिकेशन इजीली अडेप्टेबल हो। बेसिकली इंक्रीमेंटल मॉडल वैसे सॉफ्टवेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे आपका रैंडमली हम मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं। ठीक है ना, दैट रैंडमली का मतलब क्या है, दैट मीन्स की आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू अपडेट आवर सिस्टम। ओके, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जो आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, दैट मीन्स कि इट इज बेस्ट सुटेड फॉर द ओपन सिस्टम। इंक्रीमेंटल मॉडल किसके लिए बेस्ट सुटेड होगा, जो ओपन सिस्टम होगा। आपको ये पता है ना कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि उसको एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, दैट मीन्स कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। लेकिन जो ओपन सिस्टम होता है, इट शुड बी अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ओके, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या क्या हो सकता है, जैसे रेपो रेट हो सकता है, जीडीपी हो सकता है, ठीक है ना, आपका जीएसटी हो सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो भी टैक्सेज होते हैं, ये सारे क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करेंगे टाइम टू टाइम। तो अगर वहां पे रेट के अंदर में टाइम टू टाइम अगर हम चेंज करेंगे, तो उस चीज का मॉडिफिकेशन हमें कहाँ पे देना होगा, दैट मीन्स कि इट शुड बी ऑल्सो अपडेटेड इन द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी आपका सॉफ्टवेयर अगर हम बना रहे हैं, उस केस में हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल बहुत ही ज्यादा इफिशियंट होगा। ओके, नेक्स्ट इज द आइटरेटिव मॉडल। ओके, आइटरेटिव मॉडल का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग आइटरेटिव पहले भी पढ़ा था, आइटरेशन का मतलब हो गया जस्ट लाइक अ साइकिल। ठीक है, तो देखिए आइटरेटिव मॉडल का मतलब ये होता है कि हमारे पास फुल स्पेसिफिकेशन, यानी जो हमारा अगर सपोज कीजिए कि हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हमारे पास उसका पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक बार स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बार बार हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम डिजाइन तक पहुंच गए, डिजाइन करने के बाद हमें फिर कुछ स्पेसिफिकेशन मिला, तो हमें क्या करना होगा, डिजाइन से आगे थोड़ी बढ़ेंगे, डिजाइन अगर हमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिला, तो दैट मीन्स वी हैव टू अपडेट और वी हैव टू नीड सम मॉडिफिकेशन इन आवर SRS। ठीक है, तो अगर आप SRS के अंदर में चेंज करेंगे, फिर आप डिजाइन पे जाएंगे, फिर आपको पता चला कि फिर हमें कुछ नया चीज आपको ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपका एक तरीके से जहां पे रैंडमली है ना, हमारे पास कोई भी क्या हो रहा है कि कुछ भी मॉडिफिकेशन या जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, कुछ टाइम टू टाइम हमारा क्या होता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर हमारे पास स्पेसिफिकेशन डायरेक्टली अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है, तो इसके लिए हमारा क्या है, आइटरेटिव मॉडल इज द इफिशियंट मॉडल।
ओके व्हाई बिकॉज डेवलपमेंट बिगिंस बाय स्पेसिफाइंग एंड इंप्लीमेंटिंग जस्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर which can then be received in order to identify further requirements. Okay, in this model the process will be repeated producing a new version of the software for each cycle of the model. Okay, a representation of iterative process model is tarike se hum ek picture bana sakte hain. Dekhiye design zero, implement zero, analysis, fir kuch modification aaya, fir design ke implementation kiye. To ye kya hai, ek pura ka pura ek cycle banta jayega. और ये कब तक साइकिल ये चलता जाएगा, जब तक हमारे पास पूरा रिक्वायरमेंट हमारा कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, अब इसका इजीली हम लोग बोल सकते हैं एडवांटेज तो सिंपल सा है, एडवांटेज तो बहुत सारा है. डिसएडवांटेज अगर हम बोलेंगे तो डिसएडवांटेज क्या होगा, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, एक ही फेज को हम बार बार जाकर के उसको ओवरलैप करेंगे. ठीक है, और दूसरा चीज होगा कि इसमें मैन पावर भी ज्यादा होगा. और एक तरीके से बोल सकते हैं आइटरेटिव मॉडल जो है वो थोड़ा सा डेवलपर्स के लिए इरिटेटिव है ना. इरिटेटिव क्यों, क्योंकि बार बार सपोज कीजिए कि हमने एक बार सिस्टम डिजाइन कर लिया तो पहले के जो फेज हो रहे थे जितने भी मॉडल्स थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक बार SRS बनाने के बाद हम फिर SRS के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे थे. ठीक है, या डिजाइन करने के बाद हम मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइटरेटिव मॉडल के अंदर में क्या है कि बार बार हम उस चीजों को कर रहे हैं. एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आइटरेटिव मॉडल इज वेरी सिमिलर टू द प्रोटोटाइप मॉडल. प्रोटोटाइप मॉडल में ही होता था ना कि स्टार्टिंग में हम क्या बना लेते थे, कि स्केल्टन बना लेते थे आर्किटेक्चर, और देन हम क्या करते थे आगे प्रोसीड कर जाते थे, और देन हम क्या करते थे यूजर से इंटरेक्ट होते थे. यूजर क्या होता था, यूजर अगर फीडबैक दे रहा है, अगर निगेटिव फीडबैक है तो देन हमको उस पूरे डिजाइन को रिफाइन आपको करना होगा. ओके, और देन अपडेट करके फिर आपको एक प्रोटोटाइप तैयार करना होगा. ठीक है, इन द सेम वे आइटरेटिव मॉडल इज ऑल्सो वर्क. ओके, When should I use iterative model? हमें iterative model use कब करना है? ठीक है, iterative model basically use कब करते हैं हम लोग, basically कि जहां पे major requirement must be defined. बहुत सारे requirements define होते हैं, लेकिन some कुछ details होते हैं जो कि time to time आपको वहां से अपडेट किया जाएगा. ठीक है, लास्ट जो है आपका स्पाइरल मॉडल. स्पाइरल मॉडल के बारे में आप लोग ऑलरेडी भी पढ़ भी चुके हैं. स्पाइरल मॉडल इज वेरी सिमिलर टू द इंक्रीमेंटल मॉडल, लेकिन स्पाइरल मॉडल इट वाज द फर्स्ट मॉडल दैट फोकस ऑन द रिस्क एनालिसिस. ठीक है ना, ये सबसे पहला मॉडल था जो कि रिस्क एनालिसिस फैक्टर को इसने एनालिसिस किया. रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या है, दैट मींस कि रिस्क कैन बी ऑन इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हो सकता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी हो सकता है, इट मे बी हार्डवेयर रिलेटेड भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये इट वाज द फर्स्ट मॉडल जिसने क्या किया कि रिस्क फैक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, स्पाइरल मॉडल जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जितने भी मॉडल्स हैं इसके अंदर में जो एक चीज कॉमन है दैट इज द SDLC. उसी तरीके से स्पाइरल मॉडल के अंदर में भी 4 मेजेज है, प्लानिंग, इंजीनियरिंग, रिस्क एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन. बेसिकली प्लानिंग आप लोग ऑलरेडी समझते हैं. ठीक है, जिसमें फिजिबल स्टडी, सिस्टम एनालिसिस सारा आता है. इंजीनियरिंग के अंदर में क्या करते हैं हम लोग, गोल को डिटरमिनेट करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप दिस सॉफ्टवेयर, उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि कोई वर्क है उसको 3 तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें से तीनों में से हमको अगर बेस्ट लेना होगा तो क्या करना होगा, वी हैव टू कंपेयर. ठीक है, और जो आपको उसमें बेस्ट लगता है वी कैन सेलेक्ट ऑल्सो. ओके, रिस्क एनालिसिस दैट मीन्स की इवेल्युएट अल्टरनेटिव एंड रिस्क. यहाँ पे हम लोग रिस्क चेक करते हैं, रिस्क में भी हार्डवेयर रिलेटेड और इट में भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड. ओके, दिस इज द बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पाइरल प्रोसेस मॉडल. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 4 फेज में डिवाइड है, प्लानिंग है, रिस्क है, इवेल्युएशन है, इंजीनियरिंग है. ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको रिस्क को अवॉइड करने का कैपेबिलिटी है. ओके, किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा यानी सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी गुड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स. ओके, स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल. ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके अंदर में जो जो लोग डेवलपमेंट के लिए जाएंगे दैट विल बी हाईली एक्सपीरियंस पर्सन. ठीक है ना, जैसे होता है ना एक फ्रेशर्स होते हैं, एक मिडिल लेवल होते हैं, एक हायर एक्सपीरियंस. तो इस ये अगर सॉफ्टवेयर अगर इस मॉडल को आप यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर में बेसिकली क्या होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए कि हाईली एक्सपीरियंस पर्सन को ही इन्वॉल्व करना है. ओके, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, सिंपल है, सिंपल सा चीज है कि अगर मान लीजिए कि हाईली सेंसिटिव बनाएंगे तो सिस्टम कॉस्टली होगा, तो कैन बी कॉस्टली मॉडल टू यूज.
रिस्क एनालिसिस रिक्वायर हाईली स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज, जो मैंने आपको चीज बताया कि इसके अंदर में क्या चाहिए, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, और हाईली एक्सपीरियंस पर्सन अगर आपको चाहिए तो आपका उसका क्या होगा, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ऑलरेडी इंक्रीज करेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट सक्सेस इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द रिस्क एनालिसिस पे, एकदम बहुत सही ये पॉइंट है। अगर मान लीजिए कि हमारा रिस्क एनालिसिस जो है वो अगर हमने सही तरीके से एनालाइज नहीं किया तो प्रोजेक्ट का सक्सेस क्या होगा, जितना बेस्ट आपका रिस्क एनालिसिस होगा उतना ही बेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को अपना प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। दैट मीन्स कि रिस्क एनालिसिस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जितना बेटर हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट होगा उतना ही बेटर आपको एनालिसिस करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट इज द डज नॉट वर्क वेल फॉर द स्मॉलर प्रोजेक्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा स्मॉलर प्रोजेक्ट है या कोई सिंपल प्रोजेक्ट है उसको अगर हम स्पाइरल मॉडल के थ्रू अगर हम उसको डेवलप करना चाह रहे हैं तो इट इज वेरी कॉस्टली फॉर अस। ओके, और ये आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है। वेन शुड आई यूज स्पाइरल मॉडल, वेन कॉस्ट एंड रिस्क इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कमिटमेंट। ओके, यूजर्स आर अनश्योर फॉर देयर नीड्स, रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स, न्यू प्रोडक्ट लाइन, सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स, व्हेन शुड आई यूज द स्पाइरल मॉडल। ओके, तो बेसिकली इस तरीके का जो मॉडल्स है ये चीज बेसिकली ये मॉडल्स आपने पढ़ लिया, तो ये जितने भी मॉडल्स हैं ये मॉडल्स आपको जो अभी तक हमने इस सेशन में जो पढ़ा है, बेसिकली प्रोटोटाइपिंग के बाद आपने पढ़ लिया, इंक्रीमेंटल मॉडल भी पढ़ लिया, रैड मॉडल भी पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली मॉडल्स हैं, फाइव मॉडल्स जो हैं जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग ये करेंगे कि एक रिसर्च पेपर है ना, रिसर्च पेपर समझते हैं ना आप लोग, जैसे मान लीजिए कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जैसे पीएचडी है या इस तरीके से स्टूडेंट्स भी लिखते हैं, उसके अंदर में मैंने आपको एक दो पेपर हम आपको दिखाएंगे जिसके अंदर में हम लोग ये डिस्कस देखेंगे कि किस तरीके से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। एक मैंने भी एक पेपर लिखा हुआ है जो मॉडल्स पे है, अभी पब्लिश भी हुआ है वो यूजीसी केयरलेस जर्नल में, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है तो उससे आपको और बेटर तरीके से आप उसको समझ पाएंगे कि कौन कौन सा मॉडल्स किस लिए यूज किया जाता है, उसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर हमें रैड मॉडल यूज करना है या स्पाइरल मॉडल यूज करना है तो कहाँ पे हमारे लिए वो बेस्ट सुटेबल होगा, ठीक है ना। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? हेलो सर, मॉडल उतना अच्छे से नहीं समझ में आ पाया। कौन सा मॉडल, कौन सा होता है सबसे बेस्ट? पूरा मॉडल मिला के सर 40% ही समझ में आया। देखिए, सुने बता रहे हैं, जितने भी मॉडल्स है ना इसके अंदर में ये चीज आप ध्यान दीजिए कि वाटरफॉल मॉडल है, ठीक है। जितने भी मॉडल्स मैंने बताए उसमें सबसे कॉमन सा चीज क्या लगा आपको, एसडीएलसी तो सब में है ना, है एसडीएलसी सब में? यस सर। ओके, अब प्रोटोटाइप मॉडल की अगर सपोज कीजिए वाटरफॉल मॉडल की बात करते हैं, तो वाटरफॉल मॉडल हमको कब चाहिए होगा, जब हमारे पास पहले से रिक्वायरमेंट सारा कुछ हमारे पास है, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद हमको मूव बैक नहीं करना है, दैट मींस कि वी मूव फॉरवर्ड, यानी एनालिसिस के बाद डिजाइन करना है, कोडिंग करना है, टेस्टिंग करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। इसके बीच में ड्यूरिंग द एसडीएलसी आप कोई भी मॉडिफिकेशन या अपडेशन अगर आप चाहें तो वाटरफॉल मॉडल में आप नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मॉडल भी बोलते हैं या सिक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं। इट इज बेस्ट सुटेड फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट्स, और उसके किसके लिए बेस्ट सुटेड है, जहां पे हमारा रिक्वायरमेंट पहले से हमको पता होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यूजर से जो हमारा इंटरेक्शन है वो बहुत ही कम होगा, बहुत कम का मतलब क्या है कि जैसे ही हमारा एनालिसिस कंप्लीट होगा तो हम जब सिस्टम को पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जब हम डेवलपर्स को या जो भी कस्टमर है उनको हम देंगे, तभी वो कस्टमर को लगेगा कि हाँ हमारा सॉफ्टवेयर बना है और वो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये आपका वाटरफॉल मॉडल है, क्लियर। सेकेंड जो था आइटरेटिव मॉडल था, आइटरेटिव मॉडल में ये था कि वहां पे हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल में आपको ये बताया गया था कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोटोटाइप, दैट मीन्स कि जो प्रपोज्ड हमारा सिस्टम बनने वाला है उसका एक आर्किटेक्चर हम बना लेते हैं, ठीक है ना, यानी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये सारा चीज बना करके, और हम लोग क्या करते हैं सीधा हम लोग कस्टमर को दे देते हैं।
ठीक है, कस्टमर क्या करता है उसको वैलिडेट करता है। वैलिडेट का मतलब क्या है, वो देखता है कि जो भी इन्होंने सिस्टम जो एक वो प्रपोज सिस्टम है, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं है, जो हमको डेवलप करना है, वो पूरे मॉडल्स को वो देखेंगे और उनको लगेगा कि हाँ इसके अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो यूजर उसको बताएगा और देन उसको मॉडिफाई करके देन हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये देखा था वहां पे प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर में एक साइकिल फॉर्म हो रहा था, वहां पे देख रहे थे ना, साइकिल फॉर्म हो रहा था जहां पे हम क्या करते थे, जो भी हमारा सिस्टम प्रोटोटाइप है उसको क्या कर रहा था, यूजर वैलिडेट कर रहा था। वैलिडेट करने के बाद अगर वैलिडेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिफाइन करके और फिर उसको लेकर के प्रोसीड कर रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो मॉडल है वो किसके लिए है, ये मॉडल उसके लिए है जैसे वेबसाइट्स हैं या वेब डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन होता है वहां पे ये सारी चीजों को हम कर सकते हैं। दैट मींस वी कैन से दैट इट इज बेस्ट सुटेड फॉर द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने बताया था नेक्स्ट वाला में आपका एक स्पाइरल मॉडल था। ठीक है, स्पाइरल मॉडल का मतलब हो गया कि वहां पे एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर में सबसे पहले रिस्क फैक्टर को चेक किया गया। रिस्क फैक्टर का मतलब है जैसे डेटाबेस क्रैश हो जाना या हार्डवेयर से क्रैश, यानी किसी भी तरीके का अगर कुछ इश्यू होता है उससे आपका डेटा अफेक्टेड होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके का जो भी कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे लाया गया, रिस्क एनालिसिस पे लाया गया। रिस्क एनालिसिस जब हम लाएंगे तो ये बेसिकली ऐसा थोड़ी ये कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर उसमें भी हम रिस्क कीजिएगा, नहीं, ये वहां पे चेक होगा जहां पे सिस्टम आपका हाईली सेंसिटिव होगा। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, अब थोड़ा क्लियर हुआ आपको? 40% से कितना गया? 70%। वेरी गुड, ठीक है, तो एक बार और बताएंगे तो 100% हो जाएगा। नहीं सर, यानी कि जितना डिफरेंट मॉडल्स है वो डिफरेंट सेक्टर में यूज होता है। यस 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 यस, वेरी गुड। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में, देखिए प्रोसेस मॉडल्स को है ना, आप उतना बहुत ज्यादा एकदम आप माइंड मत लीजिए कि अलग अलग, नहीं, हम आपको सिंपल सा बता रहे हैं कि जो इतने भी मॉडल्स हैं सबके अंदर में एसडीएलसी कॉमन है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, हम किस पर्पस के लिए स्पाइरल मॉडल यूज करेंगे, किस पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रोटोटाइप मॉडल यूज करेंगे, किस पर्पस के लिए इंक्रीमेंटल मॉडल यूज करेंगे और किस मॉडल के लिए वाटरफॉल मॉडल यूज करेंगे। समझ में आ गया ना? अगर ये चीज आपको समझ में आ गया ना कि विच मॉडल विच बेस्ट सुटेड फॉर विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो दैट मीन्स कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा प्रोसेस मॉडल कंप्लीट हो गया आपका। ओके ओके सर, ओके ओके, नाउ आई वांट टू शेयर द अटेंडेंस। अटेंडेंस के बाद मैं आपको एक क्विज का भी लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, और उसको आपको करना है। ओके, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस।